अस्सलाम वालेकुम एंड वेलकम टू लेक्चर नंबर 3 ऑफ पार्क स्टडीज़ फॉर क्लास 10th. इन टुडेज़ लेक्चर वी आर गोइंग टू लर्न द मेन एस्पेक्ट्स ऑफ द इकोनॉमिक रिफॉर्म्स ड्यूरिंग 1971 टू 77. हम लोगों ने ऑलरेडी जो है जुल्फ़कार अली भुट्टो के इरा के बारे में जो इंट्रोडक्टरी क्लास थी वो कंडक्ट कर ली हुई है, और आज हम लोग जो है उसके मेन रिफॉर्म्स के ऊपर बात करेंगे. जब जुल्फ़कार अली भुट्टो को का इरा था 1971 से 77 तक, उस दौर से पहले जो है 22 ऐसे ख़ानदान थे जो के तमाम बिज़नेस को संभाले हुए थे. वो 22 ख़ानदान 80% जो इंश्योरेंस का बिज़नेस है उसको संभाल रहे थे, और 60% जो कंट्री की इंडस्ट्रियल एसेट्स थे वो उनके कब्ज़े में थे. यानी कि एक सरमायादाराना निज़ाम चल रहा था. चंद एक ख़ानदानों के हाथों में तमाम की तमाम रकम जो थी वो जमा रहती थी, और बाकी सारी आवाम जो है उनकी बुनियादी ज़रूरियात तक पूरी नहीं होती थी. तो इसी वजह से जुल्फ़कार अली भुट्टो ने जब अपनी हुकूमत संभाली तो उसे सबसे पहला जो इस्लाह की या जो सबसे पहला कदम जो उठाया था वो ये था कि उसने 22 कैपिटलिस्ट फैमिलीज़ के जो पासपोर्ट्स थे वो 22 दिसंबर 1971 को अपने कब्ज़े में ले लिए, और उसके साथ साथ उसने 19 ऐसी कंपनीज जो कि 100 मिलियन की कदर रखती थी, 100 मिलियन वर्थ की थी जो थी, उनके लाइसेंसेस जो थे उसने क्या किया था, उनको इलीगल डिक्लेयर करके उनको अपनी तहवील में, गवर्नमेंट की तहवील में ले लिया. उसके बाद इसने जो है ना सिर्फ उनको तहवील में लेने का मकसद इसका ये था, ना सिर्फ उनसे तहवील लेने का मकसद ये था कि ये उनसे रकम जो है अपने कब्ज़े में कर सकता, बल्कि उस रकम को इसने आवाम की भलाई के लिए इस्तेमाल करने के लिए जो है उनसे लिया था. जुल्फ़कार अली भुट्टो ने जो रकम ली उसके बाद उसके साथ साथ इसने 10 ऐसी इंडस्ट्रीज थी जिसको इसने कौमी तहवील में ले लिया था, नेशनलाइज कर दिया था, और ये 2 जनवरी 1972 को हुआ था. अब उन 10 कंपनीज के नाम जो हैं यहाँ पर आपकी बुक में दिए हुए हैं पेज नंबर 4 पे. उन कंपनीज में थे ऑटोमोबाइल इंडस्ट्री थी, केमिकल इंडस्ट्री थी, कंज्यूमर गुड इंडस्ट्री थी, स्टील इंडस्ट्री, हैवी इक्विपमेंट इंडस्ट्री, पेट्रोकेमिकल इंडस्ट्री थी, उसके बाद सीमेंट इंडस्ट्री थी, और सोशल वेलफेयर सर्विसेज की इंडस्ट्री थी, ट्रैक्टर इंडस्ट्री थी, और हैवी इलेक्ट्रिकल इक्विपमेंट की इंडस्ट्री थी. इसके साथ साथ जो है इसने जो कंपनीज को तहवील में लिया उसके बाद ने क्या किया था कि 20 डायरेक्टर्स को ना सिर्फ टर्मिनेट किया बल्कि बहुत सी मैनेजिंग जो एजेंसीज थी उनको इसने क्लोज कर दिया. और उसके बाद जो है जो इंडस्ट्रीज़ को क्लोज करने के बाद इसने 11 और इंडस्ट्रीज़ को 16 जनवरी 1972 को जो है उनको कौमी तहवील में ले लिया, और इस तरह जो है बहुत सी इंडस्ट्रीज़ को अपनी तहवील में लेने के साथ साथ इसने जो है मुल्क की फलाह के लिए उनको इस्तेमाल करना शुरू कर दिया था. अब ये क्या होता था कि पहले इन इंडस्ट्रीज़ की सारी रकम जो है सरमायादारानों के पास जाती थी, लेकिन जैसे ही इसने अपनी तहवील में लिया तो उसके लेने से क्या हुआ कि बहुत सी इंडस्ट्रीज से आने वाली अर्निंग को गवर्नमेंट जो है वो लोगों की फलाह व बहबूद के लिए इस्तेमाल करना शुरू हो गई.